स्वागत 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 एक बार आप सभी का फिर से वाइजेस टेक पर। जी हाँ, सो आज हम बात करने वाले हमारे अपने इसरो के मिशन चंद्रयान 2 के बारे में। ठीक है, हम मिशन की डिटेल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे कि चंद्रयान हमारे मून के अराउंड घूमता कैसे, क्या इसे फ्यूल लगता है, क्या इसके पीछे और कोई कारण है। हम ये सब इंटरेस्टिंग बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं तो कहता हूँ आप अभी के अभी एक लाइक क्यों नहीं देते इस वीडियो को, क्योंकि आपको काफी कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग जानने को मिलने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश, आप देख रहे हैं वाइजेस टेक को। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, हम सबको पता है सैटेलाइट को भेजने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया था, है कि नहीं। तो हमारे चंद्रयान 2 को भी लॉन्च करने के लिए एक पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम है GSLV Mark 3। ये काफी पावरफुल रॉकेट था, इसको यूज किया गया हमारे चंद्रयान को लॉन्च करने के लिए। सो इन रॉकेट का काम बस इतना ही होता है कि ये जो हमारे सैटेलाइट होते हैं, या जो चंद्रयान कहूंगा मैं, सैटेलाइट 10 बार नहीं बोलूंगा, चंद्रयान बोलूंगा, हमारे चंद्रयान को धरती के एटमोस्फेयर के बाहर स्पेस तक छोड़ दे। बस उसके बाद ये क्या करते हैं, ये डिटैच हो जाते हैं हमारे चंद्रयान के मेन लॉन्चर से। अब बचता है लॉन्चर। लॉन्चर क्या करता है, पर चंद्रयान 2 का जो पूरा मॉड्यूल इसके अंदर विक्रम, प्रज्ञान, उसका जो मॉड्यूल है, अब वो क्या करता है, उसको पॉइंट करता है अर्थ और मून के ट्रांसफर ऑर्बिट में। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया ये ऑर्बिट क्या, हमको तो नहीं पता। अरे ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ है जिसके अराउंड हमारे सैटेलाइट वगैरह मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो जैसे कि हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून कैसे सर्कुलर पाथ पे हमारे अर्थ के गोल घूमते रहता है, बस उसी को हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, ये है पूरा का पूरा मुद्दा ऑर्बिट का। फिर लॉन्च होता है हमारा चंद्रयान 2 का मॉड्यूल लॉन्चर से। फिर वो अपनी मिनी रॉकेट की मदद से ट्रैवल करता है अर्थ के ऑर्बिट से गोल गोल घूमते हुए, वो गोल गोल घूमते हुए जाता है और एंट्री करता है मून के लूनर ऑर्बिट में। ठीक है, फिर मून के लूनर ऑर्बिट में वो एंट्री कर लेता है, फिर वो अपने आप को स्टेबल होने तक अपने रॉकेट का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो एक बार स्टेबल हो जाता है ना हमारा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मून के लूनर ऑर्बिट में, फिर वो उसको फिर वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती अपने फ्यूल या फिर रॉकेट की, वहाँ उसको वहाँ गोल गोल घूमने के लिए। फिर वहाँ पे आता है असली खेल। असली खेल ये है कि वहाँ पे वो जो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, ग्रेविटेशनल पुल को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण का जो खींचा होता है ना, उसे पकड़े रखता है वहाँ पे, और उसी की मदद से हमारा चंद्रयान ऑर्बिटर वहाँ गोल गोल घूमते रहता है। फिर उसी की मदद से वो गोल गोल घूमते रहता है। फिर अगर उसको डायरेक्शन चेंज करना है, ऑर्बिट चेंज करना हो, तो इस तरह से उसे कमांड मिलता है, फिर उसका इंजन इग्नाइट होता है, फिर उसके बाद वो अपनी सब डायरेक्शन फिर चेंज करता है। पर एज नॉर्मल वो चंद्रमा का जो हमारा ग्रेविटेशन जो पुल है, उसकी वजह से वहाँ गोल गोल घूमते रहता है। यही था पूरा मुद्दा, लोग जानना चाहते थे ये सैटेलाइट्स, ये जो होते हैं जो बाहर छूटते हैं, ये कैसे वहाँ गोल गोल घूमते रहते हैं अर्थ के साथ, उनके साथ उनका असली कारण क्या है, इतना फ्यूल तो अगर रहेगा नहीं यार भैया, साल घूमते रहते हैं भर के भेजेंगे कैसे। वो वही होता है मेन मुद्दा कि भैया जो अर्थ की ग्रेविटी होगी या मून की ग्रेविटी होती है, पकड़े रखती है अपने ऑर्बिट में, और वहाँ उन्हीं कारण से वो वहाँ पे गोल गोल घूमते रहते हैं और अपना अपना जो पूरा उनका जो एक्सपेरिमेंट है करते रहते हैं और अपना डेटा अर्थ पे अपने सेंटर्स पर भेजते रहते हैं। तो यही था फूल मुद्दा कि वो कैसे घूमते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं कि हमारे इसरो के चंद्रयान 2 मिशन के साथ की हुआ क्या। देखिए, चांद के सतह के 2.1 किलोमीटर पहले जो हमारा विक्रम लैंडर था, उससे हमारा संपर्क टूट गया। इसरो के जो स्पेस स्टेशन था हमारा धरती का, वहाँ से संपर्क टूट गया। पर फिर लोगों का बोलना ये आ गया कि भैया इंडिया का मिशन फेल हो गया, पैसे बर्बाद हो गए। मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहता हूँ आप चुप बैठो, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मिशन 95% सक्सेसफुल है। देखिए, ये स्पेस मिशन जो ये किए जाते हैं ना, इनका जो मेन फोकस होती है, जो आधे से ज्यादा मिशन जो ऑर्बिटर जो घूमते रहते हैं ना चांद के ऑर्बिट में या फिर कोई भी प्लैनेट के आगे जो मिशन भेजा जाता है, ये वही करते हैं ज्यादा से ज्यादा मिशन। पर हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ये किया था कि हमने एक लैंडर भेजा था, उसके अंदर था हमारा रोवर। वो रोवर क्या करता, चांद की सतह पर निकलता बाहर प्रज्ञान रोवर था, और वहाँ का जो मिट्टी है, वहाँ पे जो भी खनिज पदार्थ है, उसका सैंपल लेता, उसका उसको एनालाइज करता क्या है, उसका डेटा वो हमारे स्पेस स्टेशन पे भेजता। खुशी की बात ये है गाइस कि हमारे जो ऑर्बिटर जो घूम रहा है चांद के ऑर्बिट में, उसने पता लगा लिया है कि विक्रम लैंडर कहाँ पे है। तो आने वाले दिनों में हमें हमारे इसरो के साइंटिस्ट के तरफ से खुशखबरी मिल सकती है कि भैया हमने उससे कम्युनिकेशन कर लिया, और हमें पूरा गर्व है हमारे इसरो के साइंटिस्ट की टीम पर, हमारे पूरे इसरो पर, कि वो हमें आने वाले दिनों में खुशखबरी दे देंगे। सो हम तो होपफुली यही चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो जाए और हमारा 95% जो मिशन कम्प्लीट हुआ वो 100% कम्प्लीट हो जाए, और बस हमारा इंडिया पूरे दुनिया में छा जाए। गाइस, मैं हमारे इसरो के चंद्रयान 2 मिशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला कि इंडिया हमारा वर्ल्ड का पहला देश है जिसने मून के साउथ पोल पे लैंड करने की सक्सेसफुल कोशिश की। हमने ऑलमोस्ट लैंड कर ही लिया क्योंकि हमारा जो विक्रम लैंडर है वहाँ पर मौजूद है। दूसरी बात कि हमारा इंडिया ने जो मिशन है तो सबसे कम बजट में किया है, क्योंकि हम इंडियन तो देखते ही है कम पे पंप और करते भी है कम पे पंप, तो अन्य देशों से सबसे कम बजट हमें लगा इस मिशन को कम्प्लीट करने में। और तीसरी बात,
जो यूएसए वगैरह जो कई देश है उनको कई अटेम्प्ट लगे, 12-13 अटेम्प्ट उनकी सतह पर लैंड करने, पर हमारे इंडिया ने फर्स्ट अटेम्प्ट ही ऑलमोस्ट ये सक्सेसफुल करके दिखाया है। सो हमें हमारे इसरो के साइंटिस्ट पर और हमारे पूरे इसरो पर पूरा गर्व है कि उन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, और हमें उम्मीद है कि हमें आने वाले समय में हमारे इसरो की तरफ से और भी अच्छी अच्छी खबरें और अच्छे अच्छे मिशन देखने को मिलेंगे। सो गाइस यही था जो आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा ना तो मेरी आज आपसे एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट करके जाइए। इससे क्या होता है पता है, YouTube को लगता है कि वीडियो अच्छा है और वो आगे नए लोगों को ये वीडियो रेकमेंड करता है। अगर आप लाइक और कमेंट करिए बिना ही चले जाएंगे ना तो YouTube को लगता है कंटेंट में दम नहीं है और इसे आगे प्रमोट नहीं करता। इससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बस आपका क्या जगह है, लाइक और कमेंट करने में कोई पैसा तो नहीं लगता है ना। तो बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक और कमेंट करके जाइए। कमेंट मुझे पूछ सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, आपको वीडियो में क्या पसंद आया, आपको क्या पसंद नहीं आया, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, आप ये सब चीजें मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और लाइक तो प्लीज करिएगा ही और कमेंट भी करके जाइए, ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार, प्लीज इतना तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये काम करोगे और मैं आपसे अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।